हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 91 नंबर का। कॉन्टिन्यूअस मेथड को कितने भागों में बांटा गया है? एक भाग में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, तीन भाग या फिर चार भागों में बांटा गया? क्वेश्चन नंबर 91 का आप लोग आंसर तुरंत अपनी कॉपी में लिखिएगा और आंसर क्लिक कर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल मेथड को कितने भागों में बांटा गया है? जो इंटरवल मेथड होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? क्योंकि ये क्वेश्चंस जहां से भी सर ने पुट किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है वहां से ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इंटरवल मेथड की बात की जा रही है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 5 पार्ट्स या फिर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है 6 पार्ट्स के साथ में रिलेट करेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से आप लोग अपना आंसर क्लिक कर दीजिएगा। जिसको भी ग्रुप से जुड़ना है कांटेक्ट करके ग्रुप से भी जुड़ सकता है, पेड ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरवल मेथड की बात की जाएगी तो बी ऑप्शन यहां पे बहुत जबरदस्त, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल विधि को विभक्त किया गया है, कितने पार्ट्स में विभक्त किया गया? यह नहीं यहां पर पूछा गया, क्वेश्चन चेंज किया गया। विस्तृत अंतराल विधि, गहन अंतराल विधि, ए व बी दोनों या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? आप बताइएगा कितने पार्ट्स में इसको विभक्त किया गया है। तो यह हो जाएगा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका विस्तृत अंतराल विधि, दूसरा हो जाएगा गहन अंतराल विधि, यानी 93 जो रिलेट कर जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी ऑप्शन क्लिक कर दिया उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितनी कैलोरी की खपत होती है? एक ही स्थान पर दौड़ने पर कितनी कैलोरी की खपत होती है? 250 किलो कैलोरी, 150 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी या फिर आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा। इसमें 94 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितनी कैलोरी की खपत होती है यह बता देना है। 94 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा? 550 किलो कैलोरी के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 1/2 घंटा पहले यानी आधा घंटा पहले या फिर आपका डी ऑप्शन दिया 3 से 4 घंटे पहले? बताइए। 95 एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए वो तुरंत आंसर को क्लिक कर देगा। और कंटिन्यूटी आप लोग अवश्य बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा? 95 हो जाएगा आपका डी उत्तर, यहां पर राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में बंदूक की आवाज सुनते ही जो हलचल होती है वह किस समन्वय योग्यता के अंतर्गत आती है? 96 में आपको क्लिक कर देना है। बैलेंस एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, तालमेल योग्यता या फिर डी ऑप्शन है ए व बी दोनों? 96 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, किस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे? 96 नंबर जो हो जाएगा किसके साथ में रिलेट करेगा? और जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है कांटेक्ट करके ग्रुप से भी जुड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका रिएक्शन एबिलिटी के साथ में रिलेट कर जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी उत्तर के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्केटिंग में खिलाड़ी म्यूजिक के आधार पर अपनी गतिविधि को करता है यह किस समन्वय योग्यता के अंतर्गत आता है? यह किसके अंतर्गत आता है बताना है। 97 नंबर में
पृथक्करण की योग्यता के अंतर्गत आता है, प्रतिक्रिया योग्यता के अंतर्गत आता है, तालमेल योग्यता के अंतर्गत आता है, या फिर आपका डी ऑप्शन है युग्मन की योग्यता के अंतर्गत आता है। 97 नंबर का सही आंसर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए बस आप लोग घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बस अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में बनाए रखिएगा। आप लोग जब ज्यादा आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, बाकी आप लोग घर पर रहें, बी पॉजिटिव, सभी लोग सेफ रहें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 97 किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, 97 का जो आंसर हो जाएगा तालमेल योग्यता के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी उत्तर के साथ में ऑप्शन रिलेट करेगा। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समूह कहलाता है, टीम कहलाता है, कौशल कहलाता है, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ युक्ति कहलाता है। बताइए 98 किस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। अपने रफ कॉपी में जहां भी आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं वहां पे इसका आंसर लिखिएगा, अगर आपका गलत हो जाता तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको क्या बोला जाता, प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना, तो इसका जो राइट आंसर होगा युक्ति कहलाता है, यानी डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जितने भी पार्ट अभी तक अपलोड किए गए सभी पार्ट वहां पर आपको मिल जाएंगे। 99 नंबर, लचीलेपन को कितने भागों में बांटा गया है, इसको एक पार्ट में बांटा गया, दो, तीन या फिर चार, किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन। 99 बहुत जबरदस्त, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लचीलेपन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाले अवयव को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सहनशीलता बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं, गति बोलते हैं, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। 100 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इसको क्या बोला जाएगा, गति के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 101, विस्फोटक शक्ति को विकसित करने की कितनी विधियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर आपको बुक्स में अलग अलग मिल सकता है, तो यहां पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा उसके बाद आंसर क्लिक करिएगा, क्योंकि विस्फोटक शक्ति को विकसित करने के लिखा हुआ है। विस्फोटक शक्ति के बारे में बहुत से डिटेल में बुक में दिया हुआ है, उसमें कई पार्ट्स भी आपको अलग अलग उपविभाग जिसको बोलते हैं उसमें भी डिवाइड किया गया है, लेकिन मेनली जो पार्ट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी दो विधियों के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व बताना, आयु है, मौसम है, थकावट है, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ उपयुक्त सभी। 102 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग क्लिक करिएगा। जिसको भी हमारे ग्रुप से जुड़ना, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9621819209, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दी जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया है जहां पे आप लोगों को क्विज, मॉक टेस्ट जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो भी आपको मिलता रहेगा। 102 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, डी ऑप्शन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आयु, मौसम और थकावट के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा कारक है, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन, ऑप्शन देखिएगा, यहां भी आपका डी ऑप्शन के साथ में क्या रिलेट कर जाएगा, जी हां डी उत्तर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के साथ में रिलेट करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लंबी दूरी की दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए, कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, या फिर आपका डी ऑप्शन है पावर होना चाहिए। तो यहां पे जितने भी लोग स्पीड और ताकत लगा रहे हैं उसको आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, ना ही स्पीड आपका सही होगा ना ही
ताकत सही होगा, क्योंकि लंबी दूरी की जो दौड़ होगी उसके लिए खिलाड़ी में कौन सी क्षमता होनी चाहिए, सबसे मेन होता है सहनशीलता, क्योंकि सी ऑप्शन सुटेबल है, सी उत्तर के साथ में ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, 104 नंबर का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ताकत और गति के मेल की योग्यता को क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं इसको, ताकत सहनशीलता बोलते हैं, विस्फोटक ताकत बोलते हैं, अधिकतम ताकत बोलते हैं, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। 105 ताकत और गति के मेल की योग्यता को क्या बोला जाता है, तो यह बोला जाता है विस्फोटक ताकत, यानी बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पार्ट नंबर है 360। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको सभी पार्ट्स वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, पेड ग्रुप से जुड़ना है, तो कॉन्टेक्ट करके पंकज सर से अपनी क्वेरी नोट करा सकते हैं और ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। 106 व्यायाम और आराम होगा, आहार और पोषक तत्व हो जाएगा, स्वच्छता और आदतें हो जाएगी, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। 106 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, अच्छे स्वास्थ्य का रख रखाव किस पर निर्भर करता है, 100% किसी का गलत नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, 107 नंबर का क्वेश्चन है, बैलिस्टिक विधि एक प्रकार की विधि जो बढ़ाती है, किस चीज को बढ़ाती है, ताकत सहनशीलता लचीलापन, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 107 बैलिस्टिक विधि की बात की जा रही है जो बढ़ाती है, किस चीज को बढ़ाती है, लचीलापन को बढ़ाती, बहुत अच्छे सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। बस इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यूटी बना रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 108 एरोबिक क्षमता शारीरिक स्वच्छता के स्वास्थ्यता के कौन से घटक में प्रयुक्त होती है, सहनशीलता में प्रयुक्त होती है, गति में प्रयुक्त होती है, ताकत में प्रयुक्त होती है, या फिर आपका डी ऑप्शन है शक्ति में प्रयुक्त होती है। एरोबिक क्षमता शारीरिक स्वास्थ्य के कौन से घटक में प्रयुक्त होती है, 108 नंबर जो होगा ये किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सहनशीलता के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 109 ऑक्सीजन युक्त फिटनेस को सबसे अच्छे से किसके द्वारा हासिल किया जा सकता है, 109 नंबर है, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, बताइए, लंबी दूरी की दौड़े, तैराकी, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका यहां पे एक सी ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोग सी ऑप्शन ना क्लिक करिएगा। ऑक्सीजन युक्त फिटनेस को सबसे अच्छे से किसके द्वारा हासिल किया जा सकता है, बुक्स में आपको तैराकी भी मिलेगा, लेकिन जो सुटेबल आंसर आपका रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, लंबी दूरी की दौड़े हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर कोई एथलीट बिना कुछ खाए सुबह ही तेज दौड़ लगाना शुरू कर देता है तो पहला सब्सट्रेट जिसका प्रयोग ऊर्जा के लिए होगा क्या होगा, वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई एथलीट बिना कुछ खाए सुबह ही तेज दौड़ लगाना शुरू कर देता है तो पहला सब्सट्रेट क्या होगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन के साथ जितने भी लोग क्लिक कर रहे हैं उनका आंसर गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहां पे बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ग्लाइकोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन, अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, साथ में अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी करिएगा जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, जितने भी लोग फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। और ग्रुप से जो भी जुड़ना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS, NVS, APS, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कांटेक्ट करके आप पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।